بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वक़ाली मजीद वाहब रबली सदरी अमरी वाहबतम लिस मेरे भाईयों और बहने मैं आपका इस्ताल करता हूँ फिनशल ट्रांजेक्शन के अगले दर्स में अगली क्लास में हम देख रहे हैं कि इस्लाम के अंदर तजारत के क्या असूल है और इन असूलों के सिलसिले में सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो है जो बेसिक कंडीशंस जो एक बै के अंदर तजारत के अंदर सेटिस्फाई होने चाहिए यानी कि मुकम्मल होने चाहिए पहली शर्त हमने देखा कि दोनों बेचने और खरीदने वालों की रजामंदी होनी चाहिए अगर रजामंदी नहीं है तो अल्लाह तला ने क्या कहा है अल्लाह तह ला तलोम अपने माल को आपस में गलत तरीके से मत खाओ सिवाय तो तुम तजारत करो रजामंदी से तो रजामंदी नहीं हुई तो वो बातिल तरीके से किसी का माल खाना हो जाता है नंबर वन नंबर दो हमने ये देखा कि जो भी बेच रहा है या जो भी खरीद रहा है वो कम्पीटन टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यानी कि वो तिजारत करने के काबिल होना चाहिए यानी कि वो छोटा सा बच्चा है जो कुछ खरीदो फरोख कुछ भी नहीं कर सकता या मुमय बच्चा है जो कम वैल्यू की चीज जिसके अंदर इनकम्प्लीट बेनिफिट या लॉस है वैसी चीज कर सकता है या फिर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है या कोई मेंटली डेफिशिएंट पर्सन है या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसका दिमाग उसके काबू में नहीं है और हम अगर वो ट्रांजैक्शन कर लें तो वो जायज नहीं होगा सेकंड कंडीशन ये है तीसरी शर्त ये है कि जो भी बेच रहे हैं या जो भी खरीद रहे हैं वो चीज हलाल होनी चाहिए अब रजामंदी है और कंपिटेंट पर्सन है लेकिन ये नहीं है तो वो चीज फिर से जायज नहीं होगी चौथी चीज है कि जो शख्स बेच रहा है या खरीद रहा है बेचने वाला ओनर की पोजीशन में होना चाहिए ओनर होना चाहिए या ओनर की तरफ से जैसे मिसाल के तौर पे एजेंट होता है वो ओनर की तरफ से होता है या एम्प्लॉय है वो भी ओनर की तरफ से है ये चार कंडीशन हम देख चुके हैं आज हम दो बहुत अहम शर्तें देखेंगे एक तिजारत एक बैर के सही होने के लिए ये छह कंडीशन कंपलसरी है आपको ये कहेगा कर रहे हैं, उससे पहले में आ जाती है आदत में आ जाती है तो बहुत आसानी से होती है जैसे कोई शख्स जब ड्राइविंग कर रहा है तो वो एक चीज तो देख रहा है रास्ते को सेकेंड चीज उसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पे है थर्ड उसका एक हाथ एक पाव एक्सलरेटर पे ब्रेक पर क्लच पर लाइट का सिग्नल राइट एंड लेफ्ट सिग्नल वाह लेकिन करते हैं ना लोग क्यों प्रैक्टिस हो जाती है तो नॉर्मल सी बात है कोई मुश्किल चीज नहीं है उसी तरह जब हमारे अंदर ये चीज पूरी फीड इन होगी हमारे जहन में हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगी तो तिजारत की कोई खरीदो फरोख के हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इमेडियटली सब चीज हम चेक कर रहे हैं क्योंकि पास 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 ये पूरा ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन है इंशाल्लाह तो आइए हम देखें कि क्या है ये चौथी और पांचवी शर्त चौथी शर्त यह है जो चीज बेच रहा है उस बेचने वाले के पास वो चीज का पोजेशन होना चाहिए उसके पोजेशन में वो चीज होनी चाहिए अब देखिए आम तौर पर चीजें दो टाइप की होती है एक चीज होती है एक और एक चीज होती है मनकुलकार क्या है मनकुल क्या है मनकुल वो चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबल होती है जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर कोई चीज बेच रहा है कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है तो उसको ट्रांसफर करके ले जाना होगा क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस है अब्दुल्लाह इब्न उमर रضي अल्लाह हदीस के रावी है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जो जगह से खरीद वहीं के वहीं मत बेचो यहाँ तक का के जो ताजिर है वो अपनी चीज को जो उसने परचेज किया जो वो बेचना चाहता है जो उसके ट्रेडर गुड्स है यहाँ तक के ट्रेडर्स वो चीज को अपनी जगह पे ना ले जाए यानी कि नबी सलम ने पोजेशन लेना कम्पल्सरी बताया देखिए मेरे भाइयों इसमें बहुत बड़ी हिकमत है बहुत बड़ी विज्रम है इस्लाम ने सूद को मना किया है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सूद को डिस्गाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है सूद एक ऐसी चीज है जो इतना नुकसान इंसानों के लिए कि अगर हम सब गौर करें अगर इसकी एनालिसिस पढ़े तो एक गौर एक चौंकने वाली बात है कि, कि किस तरह से एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन इंसानों का हो रहा है और लोगों को मालूम भी नहीं देखिए मेरे भाइयों बहने वो चीज में असिस्ट करने वाली एक चीज है पोजेशन इस्लाम ने कंपल्सरी किया कि पोजेशन होना चाहिए सलर के पास अगर वो ऐसी चीज है कि जो मूवेबल है तो उसको अपने गोडाउन तक ले जाना होगा अपनी जगह तक ले जाना होगा और अगर कोई ऐसी चीज है जो एक यानी कोई नॉन मूवेबल चीज हिला नहीं सकते घर घर को कैसे हिला के ले आएंगे नहीं घर वहीं रहेगा अब इसका पोजेशन कैसे लेना होगा जैसे कि कस्टमरी है जैसे कि रस्म है जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहां ये है कि घर की चाबी मिल गई यानी नहीं पोजेशन मिल गया या फिर मान लीजिए शेयर अगर डी अकाउंट में आ गए तो वो ट्रांसफर हो गए तो जैसे कि कस्टमरी है जैसे कस्टम्स चलते है, उसके जैसा पोजेशन लिया जाता है वैसे लेना होगा में, में है और हदीस की सनद सही है नबी सलम ने नहा मना किया के क्या करेंगे? वही के वही नहीं बेचेंगे यहां तक आके वो अपनी उस चीज को अपनी जगह पर ना ले जाए एक दूसरी हदीस जो सुना नबुदाउद में हमें मिलता है किताबुल अकदिया में जिसमें आता है अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास वो बयान करते हैं कि अल्लाह के वसल्लम ने कहा ला हलाल नहीं है हलाल और हराम का जो मामला है ना वो यहां पर भी आ रहा है हलाल नहीं है ला हेल्लू इस हदीस में आगे कहा वला हलाल नहीं होता जब तक कि पोजेशन ना ले, ले।

कोर्स के आखिर के करीब पहुंचेंगे और जब मॉडर्न डे के ये सारे ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो उस वक्त पर हम इसकी और इंशाल्लाह डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह से दुनिया में डेरिवेटिव्स की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं आइए हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हलाल ही नहीं है प्रॉफिट जब तक कि ना ले लो और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि प्रॉफिट हलाल नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वला तबी मा तभी लका इंदक जो तुम्हारे पास नहीं है मत बेचो एक तीसरी हदीस भी देखते हैं हकीम बिन निजाम रضي الله عنه बहुत मशहूर है वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा अशतरीत मबियन فلا تبيعه हत्ता तकबदहु जब तुम ट्रेड गुड्स माल तिजारत खरीदो तो मत बेचो उन्हें मत बेचो उन्हें हत्ता तकबदहु या तक के पोजीशन ना ले लो तो हम देख रहे हैं कि एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा के पोजेशन दिए बगैर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ही हलाल नहीं होगा एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया के ला तभी तुम्हारे पास नहीं हो मत बेचो और एक वाज हदीस जो हकीम बिन रदिलाओं की ट्रेड गुड्स की बात हो रही है तो उसमें रसूल ने तक के ना ले लो तो मेरे दीन में ये इंपॉर्टेंट बात है और हालांकि इस मौजू में इख्तलाफ हुआ है में हम देखते हैं कि इमाम मालिक कहते हैं ये सिर्फ फूड आइटम्स के ताल्लुक से है और हमें बताया इमाम शाफी का व्यू है कि तमाम चीजों के मुतालिक है और इमाम अहमद कहते हैं कि वो चीजों के मुतालिक है जो काउंट की जा सकती है आलम और इमाम का कहना है ये मनकूल के तालुक से जो ट्रांसफरेबल है उस चीज के तालुक से लेकिन जो तीन हदीसें मैंने आपके सामने रखी ये तीनोंदीसों हदीश, से ये बात वाजह होती है कि तमाम ट्रेड ग्रुप के तालुक से है कि उसका पोजेशन लेना कम्पलसरी है यही व्यू है इमाम शाफी का यही व्यू है इमाम जुफर का जो इमाम जमामिफर के शागिद है यही व्यू है शेख बिन बाज शेख अबिनसैमिन और सऊदी की सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स का और यही बात दलाल की रोशनी में ज्यादा स्ट्रॉग है हाँ कुछ ऐसी हदीसें हैं जो बुखारी और मुस्लिम की है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की चीज़ों के तालुक़ से जिक्र किया लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाने की चीज़ों के मुतालिक है हमें जब न मिल चुके हैं जिसके अंदर क्लियर कट वर्ड्स आ चुके हैं कि ये तमाम चीजों के ताल्लुक से हैं तो यही बात ज्यादा स्ट्रांग है अब हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसे ट्रांजैक्शंस जो एक आई वॉश होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं और जिसके अंदर धोखे के मामले किए जाते हैं मैं मिसाल देता हूं एक शख्स को कार खरीदनी है उसके पास पैसे नहीं है वो जाता है बैंक में तो बैंक कहती है कि देखो कार अगर

अब वो शख्स अगर गाड़ी खरीद रहा है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में और वो बैंक कार की कंपनी से खरीदती है और उसे बेच रही वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में कार की वन लाख ,00 में अब ये शख्स को तो कहा जाएगा कि जाओ जाके वहां से वो कार की कंपनी से डिलीवरी ले लो बेच रहा कौन है बेच रहा है बैंक दावा तो यही है बैंक बेच रही है अगर बैंक बेच रही है तो पोजेशन तो बैंक के पास था नहीं पोजेशन तो किसी और के पास था पोजेशन था उस कार की कंपनी के पास जब कार की कंपनी के पास पोजेशन था तो बेचने वाली कार की कंपनी है कार की कंपनी ने इस शख्स को बेची तो बैंक क्या कर रही बीच में बैंक ने ऑन हिज बिहाफ उसके लिए एक लाख रुपए का पेमेंट की और अब उससे एक लाख पच्चीस हजार लेने वाली है वाजे तौर पर वो ट्वेंटी तो इंटरेस्ट है क्योंकि बैंक के पास पोजेशन तो था नहीं ये एक बोगस डील था जिसके अंदर ये वर्ड यूज किए जाते हैं कि बैंक खरीद रही है ये आपसे हम लोग जब कुछ चीजों के एनालिसिस पे आएंगे तो हम इन इस चीज को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं आगे की सीरियल्स में लेकिन ये टर्म आमतौर पे यूज किया जाता है मुराबहा के नाम से हालांकि सही तरह का मुराबहा भी होता है और कुछ सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक है जो इस तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट वाले ट्रांजेक्शन करते हैं और सूद जो लोग कहते हैं हराम हम लोग सूद का काम नहीं करते हैं तो उनको सूद को रिपैकेज करके देती है ये है इस्लामिक हलाल लोन, हलाल लोन। लेकिन ये होता क्या है रिबा रिपैकेज तो हम सबके लिए जरूरी है कि हम क्या चीज सचमुच इस्लामिक है हम उसके रूल्स को समझे ताकि हम इस धोखे में कभी ना आए और ताकि हम हराम चीजों में पढ़ ना जाए ना जानते हुए ये हो गया फिफ्थ कंडीशन और फिफ्थ कंडीशन के अंदर कुछ तफसी भी देख लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कोई चीज खरीदी खरीदी घर खरीदा अब वो बेचना चाह रहा है अब उसने पोजेशन ले लिया चाबी ले ली लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं की अब वो बेच रहा है और जिसको बेचता है वो लीगल पर्पसेस के लिए उसकी डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टली पिछले सेलर से कराता है मतलब जिससे उसने खरीदा वो उससे डॉक्यूमेंटेशन कराता है उसकी जिसे वो बेच रहा है क्या ये जायज है या ना जायज है। इस बारे में फतवा उलमा का यही है कि ये जायज है क्यों क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है एक लीगल कंट्री का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इसके कई बार हाई स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह होती है और क्योंकि हमारा कंडीशन ये है कि पोजेशन लेना है तो पोजेशन उसने सेटिस्फाई कर दिया और फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मान लीजिए एक सीन ऐसा है कि एक कस्टमर आ रहा है दुकान में वो कह रहा है फला प्रोडक्ट है दुकानदार कहता है नहीं फला प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है वो कहता है ठीक है ये सौ पीसेस को मैं खरीद रहा हूं तुमसे एट द रेट ऑफ एक मिसाल हम ले रहे हैं कि टू हंड्रेड रुपीज ईच यानी कि हो गए ट्वेंटी थाउजेंड रुपीजी थाउजेंड रुपीज का डिलीवरी बाद में देना ये लो पेमेंट अगर कोई शख्स ऐसा करता है वो ये हदीस के खिलाफ अमल किया उसने हदीस में क्या आया है वला तभी माली सा इंदक मत बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है नहीं है मत बेचो अब ये बोले मुझे बिजनेस करना है कस्टमर को छोड़ू क्या करें देखिए आप सब सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मैं उभारता हूं हम सब देखते हैं कि जब कोई चीज हराम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल चीजें भी ला हलाल तरीका है बिजनेस हासिल करने का हराम चीजों को हम छोड़ने कह रहे हैं तो हलाल ऑप्शन भी तो दे रहे हैं और हम सब इंशाल्लाह कुरान और हदीस के बताए हुए दायरे के अंदर रहकर मैं इस कोर्स के दौरान कई बार आप लोगों से पूछूंगा किस चीज का हलाल ऑप्शन आप सोचो चलिए आपके सामने मैं सवाल रख रहा हूं क्या सवाल है ये ब्रदर जो हमारे हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं मिस्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई चाहते हैं कि मैं कस्टमर को ना छोड़ू गुड्स तो नहीं है पोजेशन भी नहीं है पोजेशन के बगैर बेच देंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं सोचिए क्या कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं उनमें से एक ऑप्शन ये है कि वो उस कस्टमर से कहते हैं कि ऐसा करिए मैं ये प्रोडक्ट आपको कल दूंगा वो कस्टमर कहता है ठीक है कल मैं ये प्रोडक्ट आपसे लूंगा क्या यह नाजायज है यह है वादा प्रॉमिस प्रॉमिस टू बाय जो होता है यह सेल नहीं हुआ सेल तब होगा जब आदमी एक्चुअली खरीदेगा या बेचेगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें हम एक बात देखते हैं यह जो प्रॉमिस टू बाय है क्या ये सेल हुआ या नहीं हुआ इस्लामिकली वादा जो होता है ये मॉरली तो बाइंडिंग होता है क्या अखलाकी तौर पे आदमी को पूरा करना है लेकिन लीगल तौर पे बाइंडिंग नहीं होता लीगली ये नाफिज नहीं किया जा सकता कि तुमने वादा किए थे तुम लोगे ले लो अभी लेना पड़ेगा नहीं वादा मॉरली बाइंडिंग है लीगली बाइंडिंग नहीं है जब आप सोचिए कि निकलने तक का जब इख्तियार है अलबाई यानी बलख्यार मालम तफर रखा तो वादे की क्या हैसियत है लीगली हाँ मॉरली है तो हम ये बात देखें कि यहाँ पे एक चीज है जिससे वो मसला हल हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह आगे जब हम कोर्स में आगे जाएंगे तो और भी आप इंशाल्लाह इस तालुक से ऑप्शन देख सकते हैं एक और सिचुएशन आती है कि मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर इसे इमेजिन करिए गाड़ी है एक भाई मिस्टर अब्दुल्ला ने ये गाड़ी खरीदी एक कार की कंपनी से ऑन क्रेडिट इंस्टॉलमेंट्स पे क्या इंस्टॉलमेंट्स परचेस करना जायज है हाँ जायज है वो बेचना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं रजामंदी से हो रहा है कि हाँ मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना आप और मैं क्या करेंगे जब बायर और सेलर राजी तो क्या करेंगे हम सब हाँ तो ये गाड़ी इन्होंने खरीदी ऑन इंस्टॉलमेंट अब ये गाड़ी का पेमेंट इन्हें देना है दस दस हजार करके पंद्रह इंस्टॉलमेंट डेढ़ लाख की गाड़ी ये इन्होंने पोजेशन ले लिया अब मिस्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है मैं ये गाड़ी को बेच रहा हूं मिस्टर कासिम को अब अब्दुल्ला ब्रदर कासिम को बेच रहे हैं तो क्या पेमेंट कंप्लीट किए बगैर बेच सकते हैं वो बेच सकते हैं हमारा रूल यही है जो कुरान और हदीस में हमें मिल रहा है कि पोजेशन दिए बगैर नहीं बेचना है पोजेशन मिल गया ना बेचो ना कौन रोक रहा है तुम्हें वाह अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है जहां रुका जा रहा है वहां रुका जा रहा है जहां पे नहीं रुका जा रहा है आजादी करो कोई कौन रुक रहा है मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो उसका पेमेंट अदा कर चुका है जिसके पास से वो प्रोडक्ट सप्लायर जो है उसका पेमेंट अदा कर चुका है जरूरी है नहीं जरूरी है तो ये ये सेल कर सकता है तो है तो तुम्हारे पास बेच दीजिए नो प्रॉब्लम कोई हर्ज नहीं है इसमें तो हम ये देख रहे हैं ये एक सिचुएशन है एक और खास सिचुएशन है जैसे मैं आप सबको बताऊंगा कि मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हलाल है हराम है हराम है लेकिन अगर मच्छी मरी हुई मिलती है तो क्या हम खा सकते हैं मच्छी मरी हुई मिली तो क्या जिंदा मच्छी लेनी होगी उसको जबाह करना होगा या मच्छी मरी हुई भी खा सकते हैं बकरा हुआ मिला नहीं खा सकते हैं मच्छी मरी हुई मिली खा सकते हैं क्यों क्योंकि वाज हदीस अल्लाह के रसूल सल ने कहा कि दो मरे हुए जानवर है वो हलाल है उनमें एक है मच्छी और एक है टिड्डी जैसे मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज रकात फर्ज है कोई सफर पे निकला हुआ है तो कितनी रकात पड़ेगा दो रकात फर्ज है तो एक है नॉर्मल कायदा, एक है एक्सेप्शन शक्ल इस कायदे में भी एक शक्ल है कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई है जो ये करता है कि मैं इस चीज का मैन्यूफेक्चर हूं मैं गेहूं उगाता हूं या मैं कुर्ते बनाता हूं अब मैं कुर्ते बेचना चाहता हूं अब कुर्ता मैन्युफैक्चरर है इसके पास कुर्ते है लेकिन पैसे नहीं है कैपिटल की कमी है तो वो कहता है कि ऐसा करो आपके पास आप मुझसे ये फला डिजाइन फला, फला के ऑर्डर्स दो आप सिलेक्ट करो मेरे पास ये कुर्ता जो नॉर्मली होलसेल 500 हंड्रेड में होता है मैं इसे 400 हंड्रेड में तुम्हें दूंगा क्यों तुम तो मुझे एडवांस पेमेंट दो और मैं डिलीवरी छह महीने के बाद दूंगा अब ये मैन्युफैक्चरर को क्या मिल गया उसको पैसे मिल गए अगर सामने वाले ने एक हजार कुर्ते फोर हंड्रेड रुपीजे और इन्वेस्टर दे में को क्या मिला इन्वेस्टर को रिटर्न मिले उसको पांच सौ की चीज चार सौ रुपए में मिल गई उसका भी नफा हो गया इनका भी नफा हो गया उसने इस डील में हो सकता है कम कमाया हो सकता है ना कमाया हो सकता है कोई और सिचुएशन रही हो तो हम ये देख रहे हैं ये ये तजारत जायज है इसे बेसलम कहते हैं और हम लोग बैसम के मतलब इनशाला बहुत डिटेल में देखने वाले हैं एक बहुत अच्छा हलाल आल्टरनेटिव है ऐसे बिजनेसमैन के लिए जिनके पास खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है और ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो हलाल ऑप्शन देखना चाहते हैं जहां वो इन्वेस्ट कर सके नबी ने खुद भी सभी सलम किया तो बैस सलम जो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है यहाँ पे इसके पास पोजेशन होना कम्पल्सरी नहीं है लेकिन नबी सल सही बुखारी की में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन फी जो किसी चीज में अगर एडवांस पेमेंट करता है वफिक वजन मालूम इलाज तो फिक्स क्वांटिटी फिक्स वजन फिक्स पीरियड के लिए डिफाइंड प्रोडक्ट होगा कि भाई ये कुर्ते दे दे बेच रहे हो फला मॉडल के बेच रहे हो इतने दिनों में डिलीवरी देनी है इतनी क्वांटिटी की डिलीवरी देनी है तो इस तरह से काम कर सकते हैं कोई मसला नहीं तो ये है एक शक्ल कायदे की अदरवाइज नॉर्मल रूल क्या है ला तभी मा इंदक। वो मत बेचो जो तुम्हारे पास नहीं है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब हमने पांच कायदे फिनिश कर लिए हम ये सीरियल में इसी कायदे तक रुकेंगे लेकिन आपको ये, ये सब मुझे मालूम नहीं है देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जब आज हम ऐसे जमाने में रहते हैं और दौर के अंदर रहते हैं जिसकी जिनके लोग अल्लाह के बारे में नहीं जानते हैं तोहहीद के बारे में नहीं जानते तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तिजारत के बारे में नहीं जानते लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जान नहीं जानना कोई कोई बड़ी बात नहीं है सही बात तो यह है हमारा दीन एक ऐसा दीन है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें कंप्लीट रहनुमाई की है कंप्लीट गाइडलाइंस दी है हमें कंप्लीट रास्ता बताया है और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस रास्ते पर चलें और कामयाबी तक पहुंच जाए हमारा मंजिल हमारी ठिकाना हमारा असल मकसद वो है जन्नत पहुंचना और आपको पता है कि जब हम तजारत करते हैं ना तो उसके अंदर बरकत होती है उसके अंदर सवाब मिलता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मबरूर एक एक्सेप्टेड तिजारत उसकी क्या फजीलत है तो तिजारत एक्सेप्ट होने के लिए उसके अंदर सारी शरीयत की कंडीशन तो होनी चाहिए तो मैं आप सबको आज इसी चीज पे उभार कर छोड़ूंगा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हमें अपने इग्नोरेंस को दूर करना होगा हमें इल्म हासिल करना होगा कोई चीज जो आप कर रहे हैं जिसमें आप इन्वॉल्व है इल्म हासिल करो अगर आप बार हैं तो बारबर की लाइन में क्या क्या चीजें हैं इल्म हासिल करिए और कोई ये ना कहे अरे ये हराम हो जाएगा ये चीज हराम है तो फिर मैं नहीं करूंगा तो मालूम ही नहीं करता ऐसे मत करो किससे धोखा दे रहे हैं आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ और ये एग्जाम्पल के साथ मैं आज का दर्ज खत्म करूंगा हमारे एक ब्रदर है बॉम्बे में बारबर है अल्लाह तला ने हिदायत दे दी उन्हें अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है और हिदायत पाने के बाद जब वो काम करते थे उनका प्रोफेशन क्या है बाबर है उन्होंने ये नहीं सोचे कि मेरा तिजारत है भाई यहां पे दीन या नहीं कई लोगों की सोच क्या है ना दीन तो मस्जिद में दीन काम में नहीं तो उन्होंने ये नहीं सोचे उन्होंने क्या किया जब वो कर रहे हैं काम और बाबर के कामों में से एक है कि उसको शेफ करना होता है इतफाक से इनका एक मुस्लिम एरिया में इनकी दुकान है और कर रहे, कर रहे, कर रहा 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 है 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 उनको खटकने लगी बात जब मालूम किए तो पता चला कि कुरान की आयत है सुरदा की सरा पांच आयत नंबर दो तावनब्री व तकवा नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो कॉपरेशन करो वावन वा गुना हो और नाफरमानी के कामों में ताउन ना करो तो उन्होंने सोचे कि ये बात तो गलत है मैं तो उनका हेल्प कर रहा हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है एक्चुअली दाढ़ी के बारे में क्या है हकीकत जो लोग कहते हैं ना दाढ़ी रखना सुन्नत है सुन्नत है रखो तो अच्छा नहीं रखो तो चलेगा बिल्कुल गलत बात है सुन्नत तो है लेकिन वाजिब सुन्नत है ये सही बुखारी की वाजीस है वॉल्यूम हदीस नंबर नबी ने कहा आओ फुल्लोहा अपनी दाढ़ी को छोड़ो दाढ़ी को छोड़ो तो अल्लाह के रसूल सल्लासम ने दाढ़ी को छोड़ने कहा सही बुखारी वॉल्यूम सेवन हदीस नंबर सेवन एटी दाढ़ी को छोड़ने कहा नबी सल्लासम ने मेरे भाई और बहने हमें ये हुक्म को फुलफिल करना है अब इन्हें बात खटकने लगी ये नहीं सोचे मस्जिद में जाता हूँ तो दीनदार बन जाऊंगा यहाँ पे तो काम कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे भी पैसे आने चाहिए हलाल हराम कुछ नहीं ऐसे नहीं सोचा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लाला ने तौफीक दी हमारे इस भाई को और ऐसी मिसालें बताने में अल्लाह ताला उनके तिजारत में और बरकत दे लेकिन ये एक मकसद ये होता है ताकि हम में भी कई लोग होंगे जो कई तरह की हो सकता है कोई हराम डीलिंग या चीज़ में फंसे हुए हैं तो ये बात याद रखिए रिस्क देने वाला अल्लाह है रिस्क देने वाला, वाला कस्टमर नहीं है अल्लाह ताला ने कुरान में सुर तलाक में कहा सुरा 65 आयत नंबर और तीन, तकिला। जो अल्लाह से डरेगा ये जल मखर अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा वो मिन ला तसीब और वहां से रिस्क देगा जहां से सोच भी नहीं सकते हम दिमाग काम नहीं करता है दिमाग कहता है कि ओके मेरा रिस्क यहाँ यहां यहां से है अल्लाह वहां से रिस्क देने पर से सोच भी नहीं सकते हैं। ये ब्रदर ने एक बोर्ड लगा दिया अपनी दुकान के बाहर कि यहां पर सिर्फ हेयर कट होने वाले हैं यहाँ पे शेव नहीं करने वाला हूं मैं एस्टिमेट तो यही होगा कैलकुलेटर तो यही कहता है कि उनका बिजनेस कम होना चाहिए ना सारा जो बिजनेस जो शेविंग के जरिए आता था वो तो कम हो जाएगा बिजनेस तो कम होना चाहिए टर्न ओवर कम होना चाहिए डेली का सेल कम होना चाहिए कैश में जो गले में पैसे आ रहे हैं कम होने चाहिए लेकिन ये बताते हैं अल्हदुल्ला डबल हो गए डबल क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है लोगों के कैलकुलेशन और अंदाजों से नहीं होता एक हमारे ब्रदर हैं जिनकी होटल है और उन्होंने अपनी होटल में रूल बनाया कहा कि कोई भी अनरिलेटेड पर्सन आता है एक अनरिलेटेड औरत के साथ हम लोग उसको एंट्री नहीं देंगे यहां तक कहा कि वो लोग इतने स्ट्रिक्ट है कि सीसीटीवी टीवी के जरिए कोई होटल के रूम के अंदर अगर कोई शख्स है और वहां पे कोई अनरिलेटेड औरत जाने की कोशिश कर रही है तो वो लोग चेक करते हैं अब इससे तो लोगों को परेशानी इनिशियली होने लगी बोले क्या ये सब क्या रूल्स है रूल रोक बोले नहीं हमारे नहीं अभी की कंडीशन क्या है आपको उनका बिजनेस उनके कॉम्पिटिटर से कई गुना ज्यादा हो गया अलहदुल्ला लोगों को भरोसा आने लगा रही ये जगह पे हम लोग जाके रह सकते हैं ये अच्छी जगह है बीवी बच्चों के साथ भी जाके ऐसी जगह पे रह सकते हैं अल्लाह का ऐसा है रिस्क का मालिक अल्लाह है तो मैं आप सबको उभारता हूँ कि हो सकता है कि कोई तजारत की डीलिंग में कोई चीज़ या या गलती कमी किसी, किसी कोशिश करना हमें धरे हाँ हाँ हो अल्लाह नहीं ये भी सही चीज नहीं है लेकिन कोशिश करने के साथ साथ हमें अपने आप को शरीय का पाबंद बनाना चाहिए इसी बात के साथ मेरे भाइयों बहने मेरी दुआ है अल्लाह तला से कि अल्लाह हम सबको हलाल रोजी पाने